हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारी वेब और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.7। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर एक सवाल समझ में आए बआसानी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.7 में है सिंप्लीफाई। तो मतलब चैप्टर टू में ज़्यादातर जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारी सिंप्लीफाई की ही हैं। तो अभी जो 2.7 है इसमें भी सिंप्लीफाई ही है, इसके बाद 2.8 होगी और वो शायद लास्ट है इसमें। तो अभी फ़िलहाल इसमें इसकी बात करते हैं। तो इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन, 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने पहले हमने क्या करा था, जो हमें सवाल दिया हुआ था उसमें हमने टेबल ढूंढने थे, मतलब तो उसके टेबल के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करना था। मतलब 8 दिया हुआ था तो हम उसको 4 को 2 टाइम लिखना था या फिर 2 को 4 टाइम लिखना था इस तरीके से। तो इसमें भी हमने वैसे ही करना है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं किस तरीके से करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले तो सवाल को ऐसे ही तोड़ लेंगे, 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हमने क्या करना है, 8 का टेबल देखना है कि कौन से टेबल पे ये 8 सॉल्व हो रहा है। मतलब तो इसकी हम देख लेते हैं, मैंने तो पहले से करके रखा हुआ ताकि आप लोगों को टाइम ज़ाया ना हो, आप लोग ये चेक कर लिएगा। इसको जो है 2 को अगर 3 टाइम करेंगे, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है व्यूवर्स, उसके अलावा ये 36 है तो 36 का भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो 6 मल्टीप्लाई 6 क्या हो गया, 36। तो मतलब इसको जो है हमने 2 को 2 है 3 टाइम जब 8 हो रहा है तो उसको लिखेंगे 2 1 ले लेंगे कॉमन, उसके ऊपर पावर लगा देंगे, ये 3 टाइम हो रहा है तो 3 पावर उसके ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। ये हमने 2 लिखा, 2 की पावर आ गई 3 और फिर 1/3 जो लिखा हुआ इधर ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई, अब 36 को क्या करा, 6 है तो ये 6 आ गया, कितने टाइम करा, 2 टाइम, तो 2 आ गया और 1/2 आ गया। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 1 से। ब्रैकेट हटाया, 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर 6 ब्रैकेट हटा दिया और 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब 3 1 से होगा तो 3 हो जाएगा, 3/3 और ये कट जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 लिखा और 2 अंदर 2 हो गया और 2 2 अंदर 2 ये भी कट गया। अब क्या बचा, ऊपर 1 बचा, इधर भी 1 बचा, तो 2 की पावर जो है 1 आ जाएगी और मल्टीप्लाई 6 की पावर 1 आ जाएगी। 1 लिखते ही नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 6 होगा तो 6 2 12 हो जाता है, तो हमारा 12 इसका आंसर है। ठीक है व्यूअर्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 64 और इसकी पावर -1/6। तो इसको पहले एज इट इज लिख लेते हैं, उसके बाद इसका भी टेबल ढूंढेंगे। तो 64 लिखा हमने और -1/6 कर दिया। अब 64 का कौन सा ऐसा टेबल है जो 64 से, मतलब उसको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा जो है 2 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 तो ये 64 आएगा, इसको आप कर लेगा। तो ये 6 टाइम हुआ है तो हम इधर लिखेंगे 2 और 2 की पावर, 2 को 6 टाइम करा तो 6 आ गया और -1/6 हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे।
अभी हमने इसको ऐसा कर दिया, अब जो है हमारा आंसर क्या आया, एक मिनट, 2 लिखा और 6 बन जाए 6 हो जाएगा ये, ठीक है व्यूअर्स। तो ये 6 बन जाए 6 हो गया और माइनस का 6 हो गया, ठीक है, और ये 6 बन जाए 6 कट गया, अब ये -1 बचा, तो -1 को क्या करेंगे, -1 लिख दिया ऐसे। अब -1 जो है ये लगेगा नहीं, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/2 कर देंगे, ठीक है ना, ताकि ये माइनस हट जाएगा। अभी ये माइनस हो रहा, नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये मतलब जब 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो ये स्पेस में माइनस हट जाएगा, तो इसको इसलिए यहाँ पे ये इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है, 256/(x)2, और इसकी पावर जो है 1/2, मतलब ब्रैकेट के बाहर है, तो मतलब दोनों पे है ये पावर, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों पे इसकी पावर आएगी 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसके लिए कौन सा टेबल ढूंढना है वो देख लेते हैं। मैंने ढूंढा हुआ है, मैंने पहले से प्रैक्टिस कर ली थी, तो इसलिए मेरे को पता है, आप लोग चेक कर लिएगा। तो ये इसको जो है 256 जो है, अगर हम 6 को 2 टाइम करेंगे 16 को, तो 256 बनेगा, 16 × 16, तो ये हो गया 256। यहाँ पे हम लिखेंगे 16, 16 को 2 टाइम करें तो 2 लिख दिया, और 1/2, और एक्स की पावर 2 हो गई। अब जो है हम ब्रैकेट खोलेंगे और पावर जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ऊपर वैल्यू से, तो 16 हो गया और 2 × 1/2 हो गया, और नीचे जो है एक्स की पावर 2 है × 1/2, तो 2 × 2 हो जाएगा ये। और इससे कट जाएगा ये, और एक्स की पावर जो है 2 × 2, और ये भी कट जाएगी। क्या बचा, 16/(x)1, और इसकी पावर भी 1, 1 लिखते नहीं है, तो 16/(x) हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं व्यूवर्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने उतार लिया, इसको इसमें कहा है कि 81 x की पावर -8 और z की 4, और ब्रैकेट के बाहर है 1/4, मतलब ये सब पर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 81 का कौन सा ऐसे टेबल है जो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 81 आए, तो 3 का टेबल है, अगर 3 को हम 4 टाइम करते हैं तो 81 आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो इजिकल टू 81। अब 3 को 4 टाइम करेंगे तो 81 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर 4 हो गई और x -8 हो गया, और z की पावर 4 हो गई और 1/4। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3 की पावर 4 × 1/4, और x की पावर -8 × 1/4, और z की पावर 4 × 1/4। अभी हो गया 4 × 4, और एक्स की पावर जो है -8 है, तो 8 × 8, तो माइनस का 8/4 हो गया, ये 4 से 4 कट गया, 4 × 4 4 × 8 हो गया, माइनस का 2 बचा, और जेड की जो है 4/4 है, तो ये भी कट गया, 3 की पावर 1 आई, एक्स की पावर -2 आई, और जेड की पावर 1 आई। अब क्या करते हैं, माइनस का 2 हटाने के लिए माइनस को एक्स -2 को जो नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 का 1 लिखेंगे नहीं, जेड का 1 भी नहीं लिखेंगे, जेड का 1 नहीं लिखेंगे, और एक्स -2 है तो इसको नीचे लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 देख लेते हैं व्यूवर्स। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया है, 27 और उसकी पावर 2n - 2n/3 और मल्टीप्लाई 8
और उसकी पावर जो है माइनस एन अपॉन थ्री और अपॉन 18 की पावर माइनस एन अपॉन टू। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे भी ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जो है 27 को ऐड का, इसका भी टेबल निकालना है तो इसका टेबल निकाल लेते हैं। 27 का ये कि 3 को 3 टाइम करेंगे तो 27 आएगा। और 8 को जो है अगर 2 से 3 टाइम करें तो 8 आएगा। 2 टू ज़ 4 टू और 4 टू ज़ 8। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 3 को 3 टाइम करते तो 3 की पावर 3 आ गई और 2n हो गया अपॉन 3 हो गया मल्टीप्लाई 8 को हमने, तो 8 को हमने 2 से करा था तो 2 को 3 टाइम करा था तो 3 आ गया और माइनस एन अपॉन 3 हो गया। और यहाँ जो 18 है तो 18 को अगर हम देख इसको भी सिंप्लीफाई करें तो वैसे तो खाली 9 से हो सकता है, लेकिन अभी इसको हम करते हैं, हमें दो वैल्यू से करना है तो इसको हम करते हैं 3 से। तो 3 की पावर 2 हो गई और माइनस एन अपन 2 और इसके अलावा हम इसको 3 3 जो 9 हो गया और 9 2 जो 18, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और माइनस एन अपॉन 2 हो गया। ठीक है ना व्यूअर्स, अब इसको आप सॉल्व करते हैं और मजीद इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई 2n अपॉन 3, फिर मल्टीप्लाई, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई माइनस एन अपॉन 3 और इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई माइनस एन अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई और 2 माइनस एन अपॉन 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जो 6 हो गया ये, तो 6 एन अपॉन 3, 3 वन 3, 3 2 जो 6 हो गया। अब 2 एन बचाइए, मल्टीप्लाई 2 लिखा और ये हो गया माइनस का 3 एन अपॉन 3, ये 3 3 हो गया, माइनस का एन बचा, माइनस का 1 एन। अब अपॉन डाल देंगे और नीचे क्या है 3 और 2 2 हो गया, ये 2 2 हो गया, माइनस का एन हो गया सॉरी, और अपॉन 2 हो गया, 2 2 हो गया, माइनस का 1 एन बचा और मल्टीप्लाई 2 माइनस एन अपॉन 2। अब इसको ज़रा हम सही कर लेते हैं, तो 3 और ये माइनस था नहीं 6, तो 2 आ गया, 2n बचा मल्टीप्लाई, फिर हमने 2 लिखा और माइनस का 1n बचा और इसमें नीचे क्या बचा, माइनस का 1n बचा और मल्टीप्लाई 2 माइनस एन अपॉन 2 बचा। ठीक है व्यूअर्स, अब इसको देख लेते हैं और मज़ीद सॉल्व। अब हम इसमें से जो है कॉमन ले लेंगे कि नीचे भी 3 है और ऊपर भी 3 है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन कैसे लेंगे इसको, हम इजिकल टू 3 लिखा, 3 लिखा और 2n है हमारे पास, ये माइनस का 1n है तो ऊपर आगे प्लस का 1n हो गया। ठीक है व्यूअर्स, अब मल्टीप्लाई डालेंगे और 2 लिखेंगे, अब ये माइनस का 1n और ये नीचे माइनस का, तो इस पर आगे प्लस का n अपॉन 2 हो गया। अब इसको कर लेते हैं, ये 3 लिखा और 2 और 1 3
थ्री, तो थ्री एन हो गया और मल्टीप्लाई टू लिखा हमने और इसको, और फिर हमने क्या करा, वन और वन क्या हो गया, टू हो गया, तो ये माइनस का साइन ऐसे रहेगा, टू एन प्लस एन और अपॉन टू हो गया। ठीक है व्यूअर्स, अब जो है हम इसको थ्री एन लिखेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के टू लिखा और माइनस एन अपॉन टू कर देंगे हम। एन अपॉन टू क्यों करेंगे, क्योंकि ये माइनस टू एन है और प्लस एन है, तो माइनस प्लस माइनस, तो टू में से वन निकालेंगे तो वन बचा, वन लिखते नहीं है, तो माइनस का एन अपॉन टू हो गया, माइनस का एन अपॉन टू। अब माइनस का एन अपॉन टू को ख़त्म करना है हमने, तो इसको हम माइनस का एन अपॉन टू टू माइनस एन अपॉन टू, इसको हम नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो ये प्लस में हो जाएगा, थ्री एन थ्री और थ्री एन, ठीक है, और अपॉन ये नीचे टू आ जाएगा और एन अपॉन टू हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स लिख लिया, और ये क्वेश्चन जो है मैंने फाइव ईयर में भी देखा है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इज़ इसको लिख लेते हैं, इसके बाद ये फार्मूले से सॉल्व होगा, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अभी पहले के इसको एज इट इज़ ना लिखें तो बेहतर, क्योंकि लंबा जाएगा ये अभी, तो उसको पहले फार्मूले लिख लेता हूँ। यहाँ पे फार्मूला इसमें यूज़ होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा इसमें। अब करते क्या है कि जो सवाल दिया हुआ है इसमें देखना ये हमने कि नीचे ऊपर और नीचे दोनों जगह ए है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, तो डायरेक्ट मैं कॉमन ले लेता हूँ, पहले सवाल नहीं लिख रहा, तो हम इसको डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, ए लिखा और ये हमने क्या करा, पी है तो पी आ गया, और नीचे क्यू है तो माइनस का क्यू आ गया, ठीक है व्यूअर्स, और ये माइनस क्यू माइनस पी हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए लिखा और Q माइनस आर कर दिया और माइनस आर माइनस क्यू कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा A लिख के R माइनस पी और माइनस पी माइनस आर ये कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद हम नीचे एक लाइन छोड़ देता हूँ मैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये लिख दिया हमने और p माइनस क्यू कर दिया। अब ये q माइनस पी है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का साइन ऐसे आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो कैसे लिखेंगे, q प्लस पी, फिर मल्टीप्लाई और a लिखा, q माइनस आर करा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आर प्लस क्यू हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई और ए लिखा और आर माइनस पी हो गया और ये हो गया पी प्लस आर हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये पी प्लस आर हो गया, ठीक है व्यूअर्स। अब हम जो है नीचे एक लाइन छोड़ दें दोबारा और इसको दोबारा लिख, अब हम ये करते हैं कि ये क्यू प्लस पी है, इसको सीरियलाइज कर लेते हैं, तो इसको इधर कर देंगे इधर, इसको उधर कर देंगे, क्योंकि इधर भी पी क्यू है और इधर क्यू पी है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो लिखते हैं ए पी माइनस क्यू और माइनस पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई ए क्यू माइनस आर और माइनस क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई ए आर माइनस पी और माइनस आर प्लस पी, ठीक है व्यूअर्स, हमने इतना कर दिया। अब हम जो है ब्रैकेट खोलेंगे इसके, और ब्रैकेट खोल के ए को जो है कॉमन ले लेंगे, तो ए को हम इधर अलग कर लेते हैं, ए लिखा और उसके बाद हमने ये जो वैल्यू है सबसे पहले उतार दी
पी प्लस क्यू कर दिया और फिर इसके बाद हमने ये उतार दी पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई, फिर हमने ए लिखा और ये माइनस क्यू प्लस आर करा और क्यू माइनस आर कर दिया। ठीक है व्यूवर्स, अब इसी तरीके से ए दोबारा कॉमन ले लेते हैं और ये हम माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं आर प्लस पी कर दिया और आर माइनस पी कर दिया। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए लिखा और इसको हम पी पी ज़ा पी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं दोबारा, माइनस का साइन लगाया और पी स्क्वायर हो गया और माइनस का प्लस माइनस माइनस तो क्यू स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई ए हो गया तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा और क्यू क्यू ज़ा क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और आर स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई और ए लिखा और ये माइनस ऐसे ही लिखा और आर का आर स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस और पी स्क्वायर हो गया। ठीक है व्यूअर्स, अब उसके बाद हम इसको अब हम इसके ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये ए लिखा और ये हमने क्या कर दिया माइनस का पी स्क्वायर कर दिया और माइनस का क्यू स्क्वायर कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई ए माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया और माइनस का आर स्क्वायर हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई ए लिखा और माइनस का आर स्क्वायर हो गया और माइनस का पी स्क्वायर हो गया, बल्कि एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसको हम प्लस कर देंगे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लस का। अब इसको हम क्या करेंगे, हम दोबारा कॉमन लेंगे, ए इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं ए को, ए कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने माइनस पी स्क्वायर करा प्लस क्यू स्क्वायर कर दिया और फिर माइनस क्यू स्क्वायर करा और प्लस आर स्क्वायर और फिर माइनस आर स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, अब इसको देखते हैं कट क्या रहा है आपस में। अब देखें ये माइनस पी स्क्वायर से प्लस पी स्क्वायर कट गया, माइनस क्यू स्क्वायर से प्लस क्यू स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर कट गया और प्लस आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं मतलब ज़ीरो, तो हम इसका ये आंसर हो जाएगा ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बल्कि नहीं जब कुछ नहीं बचा तो हमारा इसका हाँ ठीक है ए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है, अब इसको एज इट इज में उतार देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 4 डिवाइड बाय ए अपॉन एक्स ए अपॉन ए और ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, फिर मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय ए की पावर वाई और ए की पावर एक्स अपॉन। ठीक है, इस तरीके से इसमें 4 डिवाइड बाय ए की पावर आर और ए की पावर एक्स है अपॉन, तो हम इसको एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, इसको हमने एज इट इज उतार दिया, उसके बाद हमने क्या देखना है कि कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह ए है सब जगह, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये 4 हो गया और इसको हमने ए लिखा और ए लिखने के बाद एक्स माइनस वाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई और ये 4 लिखा और ए लिखा वाई माइनस एक्स कर दिया, मल्टीप्लाई ये 4 लिखा और ए आर माइनस एक्स कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, अब इसका डिवाइड के साथ हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा जो पिछले एक्सरसाइज में करा था हमने, तो ए एक्स माइनस वाई 1/4 मल्टीप्लाई
ए और वाई माइनस एक्स वन अपॉन फोर, ए लिखा और आर माइनस एक्स करा वन अपॉन फोर कर दिया। ठीक है व्यूवर्स, अब इसको हम ए वन अपॉन फोर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वन अपॉन फोर को मल्टीप्लाई करना, तो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो इसको हम खोल दिए इसको, और ए लिखा और वन अपॉन फोर कर दिया, और आर एक्स माइनस वाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करा और ए लिखा और वन अपॉन फोर करा और वाई माइनस एक्स कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करा और ए लिखा वन अपॉन फोर और आर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको करने क्या है कि इस तरीके से ले लेते हैं इसको, ए लिखा और एक्स अपॉन वाई कर देंगे इसको हम, एक्स वन से जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही रहेगा, और वन से वाई मल्टीप्लाई होगा तो वाई ही रहेगा, तो इसलिए हम इसको एक्स ही रहने देंगे और माइनस वाई कर देंगे, और अपॉन इस पर भी फोर आ जाएगा और इस पर भी फोर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर ए लिखेंगे और वाई अपॉन फोर हो जाएगा और माइनस एक्स अपॉन फोर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे और ए लिखेंगे और आर अपॉन फोर और माइनस एक्स अपॉन फोर, तो ए सब जगह है तो ए को कॉमन ले लेते हैं अब, और एक्स माइनस वाई और फिर ये प्लस हो जाएगा, और फिर वाई माइनस एक्स अपॉन फोर और फिर प्लस आर अपॉन फोर और माइनस एक्स अपॉन फोर। अब एक्स अपॉन फोर से ये एक्स अपॉन फोर कट गया, और वाई अपॉन फोर से वाई अपॉन फोर, और एक्स अपॉन फोर से एक्स अपॉन फोर, वाई अपॉन फोर से वाई अपॉन फोर, और एक्स अपॉन, एक मिनट, ये मैंने कहीं मिस्टेक कर दी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे गलती से वो लिख दिया, तो यहाँ पे आर था, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो जब यहाँ आर आएगा तो सब जगह आर आएगा। अच्छा, तो इसको मैंने सही कर दिया है। दूसरा ये कि उन्होंने सवाल में मिस्टेक दी थी, मैंने सवाल तो सही लिखा था लेकिन उन्होंने सवाल भी मिस्टेक दी थी, ए की पावर वाई और ए की पावर एक्स लिखा हुआ है कुछ बुक में भी, तो इधर जो है आर आएगी, ए की पावर आर। ठीक है, और आर से ये आर कट गया। अब क्या बचा, अब ए के पास कुछ भी नहीं, मतलब जीरो बचा, तो ये हो ए हमारा, इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके 7 क्वेश्चन और बचे हैं अभी, तो अगर मैं इसको 7 क्वेश्चन और सॉल्व करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।